टॉपिक है इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है, यानी कि पर्यावरणीय मुद्दा या पर्यावरणीय समस्या। ठीक, तो पर्यावरणीय समस्या होता कब है, किन किन इफेक्ट से पर्यावरणीय समस्या आती है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इशू जो पर्यावरण पर मानव गतिविधि का एक हानिकारक प्रभाव होता है, जो पर्यावरण इन्वायरमेंटल इशू को ग्रह के सिस्टम जैसे कि एयर, वाटर, सोइल, ये सभी के साथ समस्याओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक, जो क्या करता है, मानव के हस्तक्षेप या मानव के जो दुर्व्यवहार होता है उसी के कारण ही ये विकसित होता है इन्वायरमेंटल इशू। ठीक है, यह पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण मनुष्य और दोनों को लाभ के लिए व्यक्तिगत संगठनात्मक या सरकारी स्तरों या प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का अभ्यास है। ठीक, यह क्या करता है कि जो पर्यावरणवाद होता है या सोशल या फिर इन्वायरमेंटल आंदोलन या तो वकालत, शिक्षा या सक्रियता, इन सभी के माध्यम से पर्यावरण के इशू को संबोधित करता है। ठीक है, इनमें कई सारी समस्याएं आती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एसिड रेन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वेस्ट डिस्पोजल हो गया, ओजोन परत की कमी, जल प्रदूषण, क्लाइमेट चेंजेस आदि, जो क्या करता है मानव तथा राष्ट्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक, तो किन किन कारणों से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक, तो पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि ये जलवायु या फिर मौसम के परिवर्तन का औसत तापमान का चलन है। ठीक, इसे क्या करते हैं, प्रत्यक्ष टेम्परेचर माप या वार्मिंग के विभिन्न प्रभावों के मापन द्वारा प्रतिशत किया जा सकता है। यदि हमारे वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग यदि आवश्यकता से अधिक इनकी जो मात्रा होगी अगर वो बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग भी देखा जाए तो एक तरह से हमारे इन्वायरमेंट को इशू को पैदा करता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग बायोडायवर्सिटी। ठीक, तो बायोडायवर्सिटी होता क्या है, यह हमारी ग्रह की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ठीक, तो जैसे कि देखा जाए कि कई प्रजातियों का जो विलुप्त होना ये बायोडायवर्सिटी का एक पर्यावरणीय मुद्दों के बीच में एक बहुत ही इफेक्ट है, जो क्या करता है कई प्रजातियों को तेजी से गायब होती हो रही है। ठीक, तो देखा जाए तो जो वनों की कटाई होती है उसके कारण लगभग 20 से 75 जो स्पीसीज हैं वो विलुप्त हो रही हैं। ठीक, तो ये क्या है, बायोडायवर्सिटी का ही एक नुकसान का एक मुख्य कारण है। ठीक, यह क्या करता है, पृथ्वी पर उनके जीवन के लिए बायोडायवर्सिटी आधार प्रदान करता है। ठीक, तो बायोडायवर्सिटी का अर्थ है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता, यानी कि पृथ्वी पर जीवों के जीने की क्या विविधता है। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी में जो बढ़ती रुचि है वो प्रजातियों के विलुप्त होने और उनकी आनुवंशिक विविधता में कमी, उनके लिए जल की आपूर्ति, मत्स्य पालन, जंगल का विघटन, ये सब का ये क्या है, परिणाम है। ठीक, तो बायोडायवर्सिटी के नुकसान के पहचाने जाने वाले कई कारण हैं, जैसे कि पर्यावरण का हानि होना, उनका विखंडन होना, संसाधनों की अधिकता होना, कचरे का निपटारण, ये सभी क्या है, बायोडायवर्सिटी का कारण है। ठीक, उसके बाद में बायोडायवर्सिटी के नुकसान में हम बता सकते हैं कि वही है कि तो कई प्रजातियों का विलुप्त होना। ठीक, तो ये सब क्या है, बायोडायवर्सिटी का ही एक एनवायरमेंटली मुद्दा है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन क्या है, जल प्रदूषण हमारे और हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या करता है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है, यानी कि वाटर पोल्यूशन भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को पैदा कर सकता है। ठीक, उसके बाद है डिफोरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई। ठीक, तो डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई क्या करता है, हमारे जीवित रहने के लिए पौधों और पेड़ों की आवश्यकता है। ठीक, तो हमें पौधों पौधे की जो आवश्यकता है वो हमारे जीवन के लिए होती ही है। ठीक, तो वनों की कटाई क्या करता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस और जो मिट्टी का जो क्षरण है, यानी कि मिट्टी का जो कटाव है, उनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे कि
हम क्या करते हैं कि जो वनों की जो कटाई होती है, ठीक है, वनों की जो कटाई होती है वो पृथ्वी की सतह का लगभग 30% भाग, जैसे कि हमारे वनों से आच्छादित है, ठीक। तो जंगलों पर क्या करता है मानव, यदि कोई दबाव हाल कोई बढ़ाता है उसमें, जैसे कि किसी की आवश्यकता हो गया, ईंधन के लिए हो गया, व लकड़ी के लिए बढ़ती मांग हो गया, बांध निर्माण हो गया, बढ़ते औद्योगिकरण हो गया, शहरी, ये सभी के लिए क्या करता है मानव, यदि जंगलों पर कोई शोषण करता है तो उनके बदले में हमारी जो अराजक स्थिति हो बहुत ही गंभीर पर्यावरणीय असंतुलन पैदा करता है, ठीक। तो वनों की कटाई का या डिफॉरेस्टेशन का महत्वपूर्ण कारण है वनों का व्यावसायिक शोषण, ठीक है। यदि हम वनों का शोषण करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंटल इशू हमारे सामने पैदा हो सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि मिट्टी के कटाव, बाढ़, हवा के कटाव, भूजल वाष्पीकरण खतरों, ये सभी क्या हो सकता है, ये सभी डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई के कारण भी ये सभी समस्याएं हमारे सामने आ सकती है। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज। ठीक, तो क्लाइमेट चेंज जैसे कि यह भविष्य के लिए खतरनाक, बहुत ही खतरा नहीं है, फिर भी क्या होता है, यह हमारी बढ़ती ज़रूरतों के आधार पर हमें इनको हमको नुकसान पहुंचाता है। ठीक, तो क्लाइमेट चेंजेस के लिए क्या करता है कि यह बढ़ती मानवीय ज़रूरतों के पीछे एक चालक है, यानी कि हम इसका प्रभाव देख ही रहे हैं कि इस प्रभावित जो लोगों की संख्या है और उनकी जो नुकसान है वो बहुत ही निकटतम हमारे सामने आ जाता है। ठीक, तो इसका मेन कारण है मौसम का अभूतपूर्व परिवर्तन। ठीक, तो मौसम के परिवर्तन के कारण ही जो होता है क्लाइमेट चेंजेस हो सकता है। उसके बाद है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन भी हमारे इन्वायरमेंटल इशू का एक कारण है, जैसे कि पोल्यूशन पोल्यूशन क्या करता है, इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाता ही है। जैसे कि पोल्यूशन में बहुत सारे पोल्यूशन आते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और आपका ध्वनि प्रदूषण, ये सभी क्या है, ये सभी पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते ही हैं। उसके बाद है सोइल इरोशन। ठीक है, तो भूमि का कटाव, तो भूमि का जो कटाव है वो क्या करता है, वो भी हमारे इन्वायरमेंटल को इफेक्ट करता ही है। ठीक, तो भूमि का कटाव, जैसे कि सोइल इरोशन, भूमि के कटाव से क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं, वो उनकी जो जड़ें हैं होती है वो क्या होती है, सोइल इरोशन के कारण कई सारे पेड़ पौधे गिर जाते हैं, उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है, तो कई सारे समस्याएं हैं जो हमारे इन्वायरमेंटल को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद है ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस में क्या होता है कि वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा है यदि अधिक है तो संभावित रूप से जलवायु परिवर्तन का कारण बन सकती है। उसके बाद है वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, तो वेस्ट डिस्पोजल किस प्रकार हमारे, तो वेस्ट डिस्पोजल जैसे कि जो वेस्ट है वो शहरी समाजों की एक ऊर्जा की खपत या उनका घनत्व, अपशिष्ट जल हो गया, सीवेज की बड़ी मात्रा में घरेलू कचरों को जन्म देना, ये सभी क्या है, वेस्ट डिस्पोजल है। तो हम इनका निपटारण कैसे करते हैं कि जैसे कि औद्योगिकरण या जो शहरीकरण घरेलू हैं, जो कचरा है वो वेस्ट डिस्पोजल का एक मुख्य कारण है। ठीक, तो इन सभी को हमको निपटारण करना आवश्यक होता है। जैसे कि जो दूषित जल है वहाँ हमारी प्रकृति है, कई रोगों का कारण बनती है। ठीक, तो दूषित जल ही एक वेस्ट डिस्पोजल है। तो औद्योगिक अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, जैसे कि ठोस अपशिष्ट, कचरा, रसायन, डिटर्जेंट, धातु, सिंथेटिक यौगिक सी, तो हजारों टन जो नाइट्रोजन है, पारा है, फास्फोरस है, ये सभी भी क्या है, जस्ता है, कचरा है, ये सभी क्या है, नदी और समुद्र में हर दिन इनको डाला जाता है। ठीक, तो क्या करता है, इनके नदियों या फिर जो समुद्र में डालने से ये जो इनका जो अवशिष्ट है वो क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता ही है। ठीक, तो जो कचरा, परमाणु कचरा में रेडियोधर्मी हो गया, समस्थानिक हो गया, ये सभी क्या करता है, गर्मी, बहुत ही बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते हैं,
ठीक, तो घरेलू औद्योगिक का जो परमाणु अपशिष्ट है वो गंभीर हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ठीक, तो भारी कचरों का जो डंप करने के कारण आजकल देखा गया है कि जो गंगा और यमुना है, ये इन सभी पवित्र नदी में देखते हैं कि एक का पूरी तरह से ये निर्जरीकृत पानी प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। क्योंकि क्यों? क्योंकि इस समय जो वेस्ट पदार्थ है उनको डाला जाता है, तो ये भी क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। उसके बाद है एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन यानी कि ये हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा पाया गया है, और एयर पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंटल का भी एक बहुत बड़ा ही समस्या का कारण है। ठीक, तो ये सभी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। उसके बाद है ओजोन डेप्लीटेशन। ठीक, तो जो डेप्लीशन यह है कि यह क्या करता है, ऑक्सीजन का ही एक रूप है। ठीक, जो क्या करता है, वायुमंडल में लगभग 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह से दूर स्थित होता है, और यह क्या करता है, समताप मंडल में बिखरा हुआ है। ठीक, उसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक, तो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, ठीक, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या करता है, कीटनाशक, जड़ी बूटी हो गया, ठीक, और जल के मार्ग में प्रवेश करता है जंपिंग के माध्यम से। तो साथ ही क्या करता है, यह खेतों और घरों से अपवाह करते हैं। जैसे कि लंबे समुद्र के किनारे यदि भारत की कई नदियाँ कचरे का निपटारण करती है, तो क्या करता है, भारी कचरे को डंप करने के कारण इन सभी को आज बहुत ही देखा गया है, जो कि वेस्ट का, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, उसके कारण बहुत ही कठिनाइयाँ आ सकती है। जैसे कि ठोस अपशिष्ट निपटान के कारण स्वास्थ्य हो गया, शिशु मृत्यु दर हो गया, जन्म दर, ये सभी जो है अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट के कारण ही प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के जीवन में डालता है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इशू। तो इन्वायरमेंटल इशू के जो है एक ऐसा सूची है जो क्या करता है, बायोफिजिकल इन्वायरमेंट पर मानव गतिविधि के हानिकारक पहलू को दर्शाता है। ठीक, वे इनका कारणों के इफेक्ट तथा इनके समन को विभाजित करता है। तो इन्वायरमेंटल इशू में पहला है ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन। ठीक, तो मानव अधिवर्तन। तो मानव अधिवर्तन में जैसे कोई सी जीव की उत्पत्ति हो गया, इसके अनुसार क्लाइमेट का चेंजेस हो गया, इनका शोषण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, भूमि का क्षरण हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, वृद्धि हो गया, अपशिष्टा हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक, तो ये सभी क्या है, मानव का अधिवर्तन है। उसके बाद है हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी में क्या है, जल विज्ञान हो गया, इसको हम जल विज्ञान कहते हैं। ठीक, इसमें हो गया जलाशयों के पर्यावरणीय प्रभाव हो गया, टाइल जल हो गया, निकासी हो गया, कृषि हो गया, बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, तो ये सभी क्या है, जल विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये भी एक इशू है। ठीक, इशू का एक सूची है। ठीक, उसके बाद तीसरा है गहन खेती, मतलब इंटेंसिव फार्मिंग। तो गहन कृषि में कृषि सब्सिडी हो गया, गहन पशु खेती हो गया, फसल खेती हो गया, सिंचाई हो गया, पोषक तत्व हो गया, पोषक प्रदूषण हो गया, कीटनाशक हो गया, इनका बहाव हो गया, तो ये भी क्या है, एक इन्वायरमेंटल इशू का लिस्ट है। ठीक, उसके बाद इसी में आता है डिसर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण। तो डिसर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण, तो दुनिया में कोई भी इन्वायरमेंटल इशू नहीं है जो लोगों को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक, यह विशेष रूप से गरीब लोगों को बड़े पैमाने पर भूमि का क्षरण हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया, ठीक, ये सभी के रूप में इनको इफेक्ट करता है। ठीक, तो मरुस्थलीकरण क्या करता है, को भूमि की जैविक क्षमता के अनुसार कम या विनाश के रूप में परिभाषित करता है, जो क्या करता है, रेगिस्तान जैसी स्थितियों का कारण बन सकता है। ठीक, तो मरुस्थली के कई कारण हैं। मरुस्थली के कारण ही वनों की कटाई होता है और भूमि का क्षरण होता है, तो ये सभी क्या है, मरुस्थलीकरण के कारण